जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने टैट की तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहे होंगे तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइकोलॉजी की सीरीज़ नंबर सिक्स इससे पहले हमने सीरीज़ वन टू थ्री फोर फाइव कंप्लीट कर ली है और जो आज मैं सीरीज़ लेके आया हूँ ये आपके लिए एच पी टैट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एच पी टैट में बहुत देखने को भी मिल सकते हैं तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग इनमें ऐसे कौन सी थ्योरी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बेस्ड होती है हमारी फीलिंग पे तो पहले ऑप्शन है हमारे पास बिहेवियरिस्ट सेकंड ऑप्शन है हमारा गेस्टॉल्ट थर्ड ऑप्शन है जीन प्याज और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास साइको एनालिसिस तो दोस्तों ये हमने अपनी वीडियोस में कर रही है फीलिंग से रिलेटेड हमारे पास किससे रिलेटेड होता है दोस्तों हमारे पास बेहवियर होते गेस्टऑल्ट होते जीन प्याजे होते साइको एनालिसिस होते तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी साइको एनालिसिस हमारे पास किससे रिलेटेड रहता है हमारे पास फीलिंग से रिलेटेड रहता है बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच इज दी ओल्डेस्ट मैथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इनमें से सबसे ओल्डेस्ट मैथड कौन सा है हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में तो फर्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और केस स्टडी मेथड तो इसका राइट right आंसर है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ इफेक्ट इनमें से किसकी थ्योरी लॉ ऑफ इफेक्टेड से रिलेटेड थोंडाइक की थ्योरी हल की थ्योरी वॉटसन की थ्योरी या बी एफ स्किनर की थ्योरी तो इसका सही आंसर है हमारे पास थोंडाइक की थ्योरी हमारे पास किससे रिलेटेड था दोस्तों लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड था इसने तीन लॉ दिए थे प्राइमरी लॉ जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो किस ट्रायल एंड एरर मेथड के लॉ थे तो किससे रिलेटेड थे थ्योरी से रिलेटेड लॉ ऑफ इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड किसने डिफाइंड किया था साइको एनालिस्ट ने डिफाइंड किया था बिहेवियरिस्ट ने डिफाइंड किया था फंडामेंटलिस्ट ने डिफाइंड किया था या एंशियंट ग्रीक फिलोसफर ने डिफाइन किया था तो ये दोस्तों हमारे पास स्टडी ऑफ माइंड किसने डिफाइन किया था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एंशियट ग्रीक फ़िलासफर ने ठीक है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि जो हमारे पास स्टडी ऑफ माइंड से इससे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन कौन थे अपनी अपनी वीडियोज़ में कर रखे कि जो हमारे पास स्टडी ऑफ माइंड से रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम हमने बताए थे आपको तो कौन कौन से वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना तो बढ़ते हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ हमारे पास चिल्ड्रन मेंटल एज इज लोअर देन इट्स क्रोनिकल एज आर कॉल्ड जिसकी मेंटल एज हमारे पास क्रोनिकल एज से कम होती है तो उसको कौन से चिल्ड्रन बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन बोलते हैं लर्निंग डिसेबल्ड बोलते हैं रिटार्ड चिल्ड्रन बोलते हैं जिसकी मेंटल एज एज से कम होती है, कम होती है।, 100, होता है। लर्निंग होता है दिसे, लर्निंग डिसेबल्ड होता है या नॉर्मल चिल्ड्रन होता है तो इसका सही आंसर है हमारे पास रिटार्ड चिल्ड्रन ठीक है तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है इज दी फाउंडर फाउंडर ऑफ के founder कौन है forable है Montessori है जॉन डुई है या नन ऑफ दीज है तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना आपने कौन हमारे पास रिलेटेड है किससे प्ले वे मैथड से ठीक है तो इसका सही आंसर है हमारे पास कौन फेब्रिक फोरेबल मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेवंथ क्वेश्चन की तरफ सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास आ, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सेवंथ सेवेंथ क्वेश्चन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन दिस डेफिनेशन वाज़ गिवन बाय मतलब तो एजुकेशन साइकोलॉजी वो हमारे पास साइंस ऑफ एजुकेशन है ये किसने कहा था बी एफ ने कहा था क्रो एंड क्रो ने कहा था आरबी कैटल ने कहा था ये पोयल ने कहा था तो इसका सही आंसर है हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ई ए ने कहा ई पील ने कहा था क्या कहा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी वो हमारे पास साइंस है किसकी एजुकेशन की तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना था बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो फॉर्मूला क्या होता दोस्तों हमारे पास आई -क्यू निकालने का फॉर्मूला रहता मेंटल 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 एज 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 क्रोनिकल 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 या 100, या या नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू हंड्रेड तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास मेथड मेनली यूज फॉर स्टडी स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेस इनमें से कौन सी मैथड है जिसको अनकॉन्शियस प्रोसेस में रखा गया है तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज ग्रूप ऑब्जर्वेशन मैथड फैक्टर एनालिसिस मैथड या प्रोजेक्शन मैथड तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्शन मेथड क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है ये हमारा ठीक है जो हमारे पास किससे यूज़ करते हैं हम किस में किसकी स्टडी में यूज़ करते हैं हम अनकॉन्सियस प्रोसेस की स्टडी में यूज करते हैं कौन सा हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टेंथ क्वेश्चन ऑर्गेनाइज फैक्चुअल नॉलेज जो हमारे पास ऑर्गेनाइज फैक्चुअल नॉलेज होती है क्वेश्चन नंबर टेंथ है वो किस से रिलेटेड होती है सीमेंटिक मेमोरी एपिसोडिक मेमोरी प्रोसीजरल मेमोरी या नन ऑफ दीज तो इसका आंसर है हमारे पास प्रोसीजर मेमोरी मतलब पी आर ओ सी ई -E डी यू आर ए एल प्रोसीजरल मेमोरी तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इलेवंथ क्वेश्चन की तरफ इलेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड अपॉन ऑपरेंट कंडीशन में हमारे पास लर्निंग किस पे बेस करती है, है एन्वायरमेंट पे बेस करती है बायोलॉजिकल फैक्टर पे बेस करती है या मेंटल फैक्टर पे बेस करती है तो सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी एन्वायरमेंट पे बेस हमारे पास एन्वायरमेंट पे वो बेस करती है ऑपरेंट कंडीशन लर्निंग ठीक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इनमें ठीक है और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है आपके लिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो या नहीं आपने सुने हो तो आप इनको एक बार जरूर कर ले ठीक है तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन डिस टाइप ऑफ लर्निंग जो हमारे पास चिल्ड्रन वॉच करते टेलीविजन को वो हमारे पास किस टाइप की लर्निंग होती? होती, होती है लॉ ऑफ इफेक्ट होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है पोजिशन एनफोर्समेंट होती है रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन होती है तो दोस्तों ये तो देवुड यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था जब हम वॉच करते टीवी तो हम क्या करते हैं ऑब्जर्व करते तो ऑप्शन नंबर बीस का राइट right आंसर होना था ऑप्शन नंबर बीस राइट आंसर बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थर्टीन क्वेश्चन की तरफ थर्टीन क्वेश्चन है हमारा यंग क्लासीफाइड पीपल इन टू जो जंग थे हमारे पास मार्क जंग तो उन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया पीपल को एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट एम्बीट या ऑल ऑफ दीज तो जंग ने हमारे पास ऑल ऑफ दीज एक्सट्रोवर्ट भी क्लासिफाइड किए थे इंट्रोवर्ट भी और एमबी भी तो ऑल ऑफ दीज इसका रा, राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोर्टीन क्वेश्चन की तरफ फोर्टीन क्वेश्चन है हमारा हु लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग किसने कहा था कि हमारे पास होल तो लर्निंग अच्छी होती है किससे पार्ट लर्निंग से वुडवर्थ ने कहा था स्टाउट ने कहा था विलियम जेम्स ने कहा था तो ये किसने कहा था हमारे पास वुडवर्थ ने कहा था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ये बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू इंट्रोस्पेक्शन जो हमारे पास फर्स्ट मेथड था वो क्या बोलते हैं क्यों रिजेक्ट हुआ था सब्जेक्टिव के कारण ऑब्जेक्टिव के कारण टाइम कंज्यूमिंग के कारण या ओल्ड था बहुत पुराना था ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड को सक्चुअलिजम से रिलेटेड होता है ठीक है तो ये किसकी वजह से हमारे पास रिजेक्ट हुआ था ये रिजेक्ट हुआ हमारे पास सब्जेक्टिव की वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था क्योंकि ए ही हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड है वो कौन सा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड जिसकी वजह से ये क्या हुआ था रिजेक्ट हुआ था बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सिक्सटीन क्वेश्चन की तरफ हु सेड ये किसने कहा था कि no brain, no personality किसने कहा कहा था question number 16 था? था कि ये हमारे पास हैनरी ए मुरे ने कहा था Henry A. ने, कहा, था, Hans J. E. ने कहा, था, या कहा क्या कहा था कि नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी ये किसने कहा था हेनरी ए मुरे ने कहा था बढ़ते हम अपने next question की तरफ. 17th question. ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से इक्वेशन ऑफ जी प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री ये किससे रिलेटेड है हमारे पास थॉमसन ग्रुप फैक्टर थ्योरी स्पर्म एंड टू फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी और बोथ बी एंड सी तो दोस्तों ये हमारे पास कौन सी जिसमें हम जी और एस फैक्टर किसमें होता था हमारे पास हमारे पास टू फैक्टर थ्योरी में हुआ था और किसने दी थी उस पर मैन ने दी थी तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था ठीक है बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज नॉट रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इनमें से थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से कौन रिलेटेड नहीं है टू फैक्टर थ्योरी साइको एनलिटिकल थ्योरी बोथ ए एंड बी ए नन ऑफ दीज तो हमारे पास टू फैक्टर थ्योरी हमारे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर होना था तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आउट ऑफ मुस्लें हेराकी ऑफ़ नीड्स विच नीड इज़ फुली फिल्ड बाई प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रन तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मुस्लि ने क्या दिया था दोस्तों एक हेराकी ऑफ़ नीड्स एक थ्योरी दी थी ठीक है और इसमें जो हमारे पास स्कूल में मिड डे मील मिलता है उसने इस मिड डे मील को किस उसमें रखा था किस नीड में रखा था सेल्फ एस्टिमेट नीड में रखा था बेसिक ऑफ बेसिक ऑफ साइकोलॉजिकल नीड में रखा था सिक्योरिटी नीड में रखा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में रखा था तो ये दोस्तों हमारे पास बेसिक नीड में रखा था मिड डे मील को जो हमारे पास स्कूल में प्रोवाइड करते हैं मिड डे मील तो मुसलें ने हमारे पास थ्योरी ऑफ क्या दी थी, थी? हेरके ऑफ़ नीड्स दी दे रखी थी तो दोस्तों आपने बताने थी मुसलें ने कितनी हेर की ऑफ नीड्स दी थी सेवन दी थी एट दी थी नाइन दी थी या सिक्स दी थी सिक्स सेवन एट नाइन आपके ऑप्शन है हेरिए ऑफ नीड्स कितनी हमारे पास जो मुसलें ने दे रखी थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ठीक है कि हेरा के ऑफ नीड्स कितने प्रकार की सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है उसमें से मिड डे मील जो था वो किस में रखा गया था बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स में रखा था ऑप्शन नंबर बीस का राइट right आंसर होना था बढ़ते हम अपने लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन की तरफ फाइनल क्वेश्चन है हमारा पास थ्री डायमेंशन ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू दी गर्लफर्ड जो थ्री डायमेंशन दिए थे किसने दिए थे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट से रिलेटेड थे गर्लफर्ड ने दिए रखे थे दोस्तों तो क्या क्या, -क्या थे वो थ्री डायमेंशन मेमोरी परसेप्चुअल रीजनिंग ऑपरेशन कॉन्टेंट प्रोडक्ट फिजिकल इमोशनल एथिकल प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन या इवोल्यूशन तो जो हमारे पास गुलफर्ड ने दी थी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल में तो वो हमारे पास किससे रिलेटेड थे दोस्तों वो थे हमारे पास ऑपरेशन करंट और प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था तो आज की वीडियो हमारे को आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी अगर आपको पसंद वीडियो आई होगी तो आप छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना हमारे कमेंट बॉक्स में मैं अपनी हर वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो हमेशा कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें इससे हमारे को पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पर हम डेली आपके लिए क्विज़ लेके आते हैं जो कि हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर दिल रिएक्ट करना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो